शांतिनगर पुलिस थाने में मोबाइल मिसिंग की शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस द्वारा इन सभी मोबाइल की खोज के लिए मोबाइल ट्रेसिंग किए गए, जिसके बाद 10 मोबाइल रिकवर हो पाए और उनके असली मालिकों को मोबाइल सौंपे गए। साथ ही एक विशेष बात यह है कि 3 साल पुराने मोबाइल को रिकवर करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस थाने में मोबाइल मिसिंग की शिकायतें हमेशा ही दर्ज होती है। मोबाइल को ढूंढने में पुलिस जुट जाती है। मोबाइल को ट्रेसिंग किया जाता है, जिसमें कई मोबाइल मिलते हैं तो कई नहीं मिलते। शांतिनगर पुलिस ने ऐसे ही 10 मोबाइल को रिकवर कर उनके असली मालिक को सौंपे गए हैं। जो पुलिस स्टेशन में मोबाइल मिसिंग रजिस्टर्ड होता है तो उसको हम ट्रेसिंग को लगाते हैं। तो 2019-20 और 2018 के कुछ मोबाइल ट्रेस आउट हुए हैं, 10 मोबाइल ट्रेस आउट हुए हैं जो हमने रिकवर करके आज जो भी जिनके ओनर थे उनको बुलाया गया और 10 मोबाइल उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसकी कुल कीमत 1,38,000 है। जिन्हें मोबाइल सौंपे गए हैं उन्हीं में से कई लोगों ने यह उम्मीद भी छोड़ दी थी कि मोबाइल वापस मिलेंगे, लेकिन पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाते हुए गुम हुए मोबाइल को खोजकर मोबाइल को असली हकदारों को सौंपे गए। सन 2020 ला माझा मोबाइल महानगर पालिकेच्या कार्यालयातूनच चोरी गेला। त्यावेळेस मला असं वाटत होतं की कंप्लेंट करू की नाही, परंतु माझे पोलीस मित्र जे आहे त्यांच्या सहकार्याने मला असं वाटलं की कंप्लेंट करावं आणि मी कंप्लेंट केली। त्यानंतर आपले पोलीस मित्र पोलीस अधिकारी साहेब यांच्या तत्परतेने जे मला लवकरात लवकर मोबाईल मिळाला आहे त्यासाठी मी सर्व पोलीस विभागाला पोलीस विभागाचे आभार मानील। व पोलीस विभाग जे आज कार्यरत आहे आपल्या महानगर नागपूरमध्ये अशाच प्रकारे कार्यरत राहावं आणि त्यांनी अजून चांगले कर्तृत्व करावे अशीच माझी इच्छा राहील। धन्यवाद। विष्णु कुमार मालघाटी, जिनका मोबाइल रास्ते में इतवारी परिसर में कहीं गिर गया था, लेकिन 3 साल के बाद मालघाटी का मोबाइल ढूंढने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। रहना मेरा डिप्टी सिग्नल है। डिप्टी सिग्नल से मैं इतवारी स्टेशन के लिए आया था तो उसमें मेरा मोबाइल कहीं गिर गया था और आज 3 साल हो गया। 3 साल बाद में मेरी मोबाइल मिल गई है। मुझे पुलिस की यह सर्विस काफ़ी अच्छी लगी जो 3 साल बाद भी वापस आ गई, नहीं तो शायद मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि वो मोबाइल वापस मिल जाएगा करके। इसके लिए मैं पुलिस अधिकारी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। पुलिस की इस कार्रवाई से मोबाइल मालिकों ने खुशी जाहिर की और पुलिस का धन्यवाद अदा किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।